जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से हमारे संकल्पों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से नेगेटिव सोच का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमें बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार क्या आपके पॉजिटिव सोचने से आपकी बीमारियां जा भी सकती हैं, पूरी तरह से खत्म भी हो सकती हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं नेगेटिव सोचने के हमारे शरीर पर। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या पॉजिटिविटी से हम अपनी बीमारियों को जीत भी सकते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, इस पर बहुत काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में कि कैसे पॉजिटिव विचारों से, पॉजिटिव भावनाओं से जी हम अपनी लगभग हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ओके। अगर एटलीस्ट दवाइयों के साथ लेते रहते, अगर उस भावनाओं को, पॉजिटिव विचारों और पॉजिटिव भावनाओं को रखा जाए जी, तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। ओके। ये तो हम सभी जानते हैं कि विश्वास और निश्चय से हम कोई दवाई खाते तो दुगना असर करती है। ट्रू। किसी डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर हमारी पसंद का होता है, जिसको हम जानते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, जिसमें फेथ है हमें, उसकी बात करने से आधी बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। ये तो सभी कॉमन सेंस है ना, सभी जानते हैं इस बात को। तो इस पर हमारे ये देखने में आया कि जब भी कोई हम पॉजिटिव टीम, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावना या पॉजिटिव एटीट्यूड किसी समस्या के प्रति रखते हैं जी, या किसी बीमारी के प्रति रखते हैं, या पॉजिटिव स्मृतियों को जागृत करते रहते हैं, तो हमारी ना खाली ब्रेन बल्कि बॉडी की लगभग सभी सेल से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं। ओके। तो जो एंडोर्फिन्स हैं जी, वो नेचुरल मॉर्फिन है जी, इनर मॉर्फिन निकलती है जी, जिसे हिंदी में अफीम भी कहते हैं। हाँ जी। राइट। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर है दुनिया का। ओके। किसी भी तरह का दर्द, सिर का दर्द, गर्दन का दर्द, हार्ट का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, कोई भी पेन हो, कितना भी सीवियर हो, ये जब भी होता है, हम हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो सबसे पहले मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं। कोई पेशेंट जब हार्ट अटैक होने के बाद जब उसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ तो मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं, उससे अंदर फीलिंग ऑफ वेलबींग आ जाती है। राइट। इससे फीलिंग ऑफ लाइटनेस आती है। ऐसा महसूस करता है पेशेंट जैसे हल्का हल्का हो गया, उड़ रहा है। Okay. अंदर शक्ति महसूस करता है। तो ये नेचुरल मॉर्फिन जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं ये निकलता है। Okay. एनकेफेलिन्स निकलते हैं, एनकेफेलिन्स भी एक हार्मोन्स हैं। Okay. जो कोशिकाओं से निकलते हैं, वो अंदर की खुशी को बढ़ाते हैं। Okay. और पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम जो हमारा बताया ना, हरी तार जो हाइपोथैलेमस से निकलती है, वो एक्टिव हो जाती है। Okay. और उससे हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, हमारी आर्टरीज रिलैक्स हो जाती हैं, खुल जाती हैं, जो खून के थक्के जम गए, खून क्लॉट होता है, थ्रम्बस बन जाते हैं, वो डिजॉल्व होने लगते हैं। ओके। आंखें रिलैक्स हो जाती हैं, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, लाइटनेस आती है, हैप्पीनेस आती है, पूलिंग ऑफ एनर्जी होती है जी। तो इससे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। हाँ जी। जैसे कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति को, बहुत ही सिंपल सा व्यक्ति है, एक ऑफिस में क्लर्क है। हाँ जी। और वो ज़्यादा बोलना नहीं आता उसको जी, नया नया ऑफिस में ज्वाइन किया है, तो लोग उसको अपना काम भी उसको दे देते हैं। ओके। अपना काम तो करे और दूसरे काम भी वो उसको कह देते हैं, तुम मेरा भी काम कर देना, बड़े जो होते हैं। हाँ जी। मेरा भी कर देना। वो बेचारा कैसे कुछ बोल नहीं पाता है।
तो बाकी लोग 4-5 बजे ऑफिस बंद करके ऑफिस से चले जाते हैं, उसको 7 बज गए, 5 बजे का टाइम है ऑफिस से जाने का, वो सबके काम उसके ऊपर सबका काम करने के उसके ऊपर, इतना थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है बेचारा, 7 बजे एग्जॉस्ट है बिस्तर से, मतलब चेयर से उठने की भी उसकी हिम्मत नहीं है, इतना थक गया सारा दिन काम करके। तो व्यक्ति को लगता है कि अभी ही उसका सिर भी दर्द हो रहा है, कमर भी दर्द हो रही है, वो पैरों में भी दर्द हो रहा है, और जरा भी हिम्मत नहीं है आगे कुछ करे। अचानक उसके फ़ोन आता है उसके फ्रेंड का, कि उसको उसका फ्रेंड कहता है याद है आपको, हमने पिछले संडे को एक टिकट खरीदा था, मैंने भी लिया था, आपने भी लिया था, लॉटरी का टिकट। अच्छा, मेरा टिकट तो खाली गया, आपका जैकपॉट लगा 5 करोड़ का। अरे मॉर्फिन है तो, दिस इज मॉर्फिन। तो उसको 5 करोड़ का, जैसे उसको ये मिलती है, न्यूज मिलती है, तो क्या होता है, 5 करोड़ की जेब में नहीं आया, सिर्फ उसको खबर दी है दोस्त ने कि तुम्हारा जैकपॉट लगा है 5 करोड़ का। करेक्ट। वो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है जी, उसको क्या होता है, तुरंत अपने भाई को फोन करता है, तुम्हें जो भी चाहिए अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए। सबसे बड़ी बात, वो सबसे पहले तो उठ के खड़ा हो जाएगा। वो जो एनर्जी उनकी थी कि अभी वो बैठ भी नहीं पा रहे, होने वाला था, कोलैप्स होने वाले थे, वो उठ के कूदने लगे, एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, वाइफ को फोन करेगा, बेटे को फोन करेगा, है ना, और वो अभी कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, खड़ा हो जाता है, अब तो खड़े हो जाएंगे, इतनी एनर्जी लेवल आ जाता है। क्या उसने ग्लूकोज पिया क्या, कहां से आई एनर्जी? वो पॉजिटिव थॉट से जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलैक्स हो गया, जो एंडोर्फिन निकल गए, हेडेक था, कमर में दर्द था, पैरों में दर्द था जी, कहाँ गया दर्द एकदम गायब हो जाता है। ट्रू। इतनी एनर्जी उसके अंदर भर जाती है, इतनी खुशी आ जाती है उसको कि वो एकदम हेल्दी फील करता है। ट्रू। तो ये जो है पॉजिटिव थॉट्स का असर होता है, हार्ट रेट कम हो गया, बीपी कम हो गया, है ना, खून रिलैक्स, खून पतला हो गया, जो हम गोली खा करके खून का पतला करने की दवाइयाँ खाते हैं ना, हाँ जी, तो वो काम तो उससे हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, मान लीजिए वो अगर बार बार पॉजिटिव थॉट्स करे तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाएगा, इसकी धड़कन बहुत फास्ट होती हो, एरिथमिया होता हो, उसकी धड़कन नॉर्मल रहने शुरू हो जाएगी। दिस इज सो ट्रू। शुगर अगर इसकी हाई रहती हो, करेक्ट, और वो शुगर भी इससे कम होती है जी, तो शुगर उसकी कम रहने लगेगी, नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, थोड़ी इंसुलिन में ज्यादा शुगर कंट्रोल होगी। ओके, राइट। जब आदमी टेंशन में होता है ज्यादा मीठा खाता है, करेक्ट, ज्यादा फ्राइड खाता है, मूड डिसाइड्स अवर फूड, ट्रू, नेगेटिव मूड में नेगेटिव रॉन्ग फूड खाता है आदमी, और जब पॉजिटिव मूड में होगा जैसा भी खाना खाएगा ना उसको अच्छा लगेगा, राइट, तो उसकी बीमारी कितनी जल्दी आ जाएगी, जब ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, हार्ट की ब्लॉकेज भी खुल जाएंगी, माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा, बैकएक भी ठीक हो जाएगा, कंसिस्टेंटली करें तो। एक ये बात मैं कह देना चाहूँगा कि हर एक समझने की बात है कि जब भी हम गलत चीज़ करते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत भावना करते हैं, उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये आपने एकदम ठीक कहा, क्योंकि जब मैं अगर उदास हो गई, अभी थोड़ी देर पहले अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला और मैं बहुत उदास हो गई, मुझे किसी ने डांट दिया, मम्मी ने आज डांट दिया, तो भले ही कितने भी अच्छी चीज़ें मेरे सामने रखी हो खाने के लिए, भले मेरे पास बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा हो घर के अंदर, भले उस वक्त शायद मेरी सबसे फेवरेट बुक मेरे बाजू में रखी हो, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं यही सोचती रहूँगी कि नहीं, मैं उदास हूँ, और मैं चाह करके भी उस चीज़ से निकल नहीं पाती हूँ। लेकिन कई लोगों की आदत होती है डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा पेन ड्रिवन, कि वो लोग उस पेन में रहना उन्हें अच्छा लगने लगता है कि यही है, यही मेरी ज़िंदगी है ऐसा, और आज ये कितने लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस पर रिसर्च हुई है बहुत सारी। हाँ जी, उसे देखना गया, अगर आप एक बार गुस्सा करते हैं, एक बार गुस्सा, हाँ जी, एक गुस्से का एपिसोड हमारी बॉडी में एक चेन ऑफ रिएक्शन चालू कर देता है। ओके, कैस्केड जैसे होता है ना, झरना होता है ना, एक पहाड़ी पे गिरता है, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, पानी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है जी। सेम वे हमारी बॉडी में रिएक्शंस का चेन शुरू होती है। ओके, तो वो एक चेन एक सेल पे हो, एक ग्रुप ऑफ सेल्स पे, दूसरी ग्रुप ऑफ सेल्स, तीसरी ग्रुप ऑफ सेल्स, और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है जी। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे रिसर्च में प्रूव किया गया कि एक बार गुस्सा करने से हमारी बॉडी उसके असर में 3 दिन तक लगभग रहती है, 72 घंटे तक, एक बार गुस्सा करने से। तो आप समझ सकते हैं कि 3 दिन तक
आपकी बॉडी में आपकी सोचने की शक्ति, आपकी हार्ट की पंपिंग पावर, आपकी डाइजेस्टिव पावर, खाना पचाने की शक्ति, 3 दिन तक किडनी पे किडनी का खून साफ करने की शक्ति, किडनी में से जो टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं किडनी को छानने की शक्ति कम हो जाएगी। 3 दिन बाद उस गुस्से के असर से किडनी हमारी बाहर निकलेगी, हमारा दिमाग उस असर से बाहर निकलेगा। तो जो लोग गुस्सा करते रहते हैं उनकी तो अंदर तो पूरी क्या हालत होती होगी। अरे बाप रे, राइट जी। तो कम से कम एक बार गुस्सा करते 3 दिन बाद गुस्सा करना चाहिए दोबारा। हाँ जी, एक डोज लेने के बाद ना। बिल्कुल बिल्कुल। उदास होने के बाद यूजली 5 दिन तक असर रहता है एवरेज। एक बार नॉर्मल मूड आने में, नॉर्मल जैसे पहले था उस उदास होने के पहले, थोड़ा सा मूड मेलनकलिक रहता है। एकदम से नॉर्मल नहीं हो पाते, बॉडी पे इफेक्ट होता रहता है। एक बार जल्दीबाजी करते हैं उसका असर भी 17-18 घंटा तक रह सकता है। और अगर किसी के प्रति रिवेंजफुल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर रख लें आप, रिवेंजफुल बिहेवियर रख लें, उसका असर सारी बॉडी पे जब तक होता रहता है जब तक उसको आप माफ ना कर दें। ओके। ऐसे बहुत सारी स्टडीज कार्डियोलॉजी के फील्ड में, माइंड एंड कार्डियोलॉजी के फील्ड में, माइंड हार्ट मेडिसिन में हुई कि माइंड का असर हार्ट पे कैसे होता है, आर्टरीज कैसे ब्लॉक होती है। ओके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से इसका इफेक्ट लंबा, नेगेटिव चीजों का इफेक्ट लंबा समय होता है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मेमोरीज बहुत हैं। ट्रू। नेगेटिव इंप्रेशंस बहुत हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स बहुत हैं। पर पॉजिटिव भी उतने ही रिकॉर्ड नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ज्यादा भरे हुए हैं नेगेटिव्स। ओके। तो उसके अंदर वो नेगेटिव थॉट को मतलब वो मिलती रहती है, नरिशमेंट मिलती रहती है। जो आपने नेगेटिव थॉट किया ना जी, उसको नरिशमेंट, वो फाइलें खुलती रहती है एक के बाद एक के बाद ऑटोमेटिक। तो टीवी खोल के बैठ गए तो आपको उसमें ही जिस मूड में आप हैं वही वही मूड वही सीन, उसमें आपको उस सीन में खो जाएंगे आप। ट्रू। फिर उससे स्टिमुलेट हो जाएगा आपका और वो गुस्सा या उदासी और स्टिमुलेट हो जाएगी। हाँ, या रिवेंजफुल बिहेवियर और स्टिमुलेट हो जाएगा जी। बाहर देखेंगे किसी के साथ आपका और स्टिम, यही कैस्केड है ना, वो फिर आपके अंदर चालू हो जाएगा और कई कई दिन आप उसी 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 मूड में रहेंगे। इसकी बजाय अगर आप खुश रहते हैं, खुश होते हैं, खुशी के लिए बहुत अटेंशन चाहिए क्योंकि आज ओवरऑल वातावरण नेगेटिव है दुनिया में जी। ये तो आप मानेंगे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, हर एक हमारे दर्शक सब मानेंगे। आज नेगेटिव वातावरण हर जगह है। एक गीत है ना किसी का, प्रदीप का, किसका, इस दुनिया में खुशी वाला चेहरा कोई कोई दिखाई देता है और दुखड़े दुखी दुखिया दुखी चेहरे हजार दिखे। अच्छा, एक गीत लाइन है उसमें ना। अच्छा, दुखी चेहरे हजार दिखे और कोई कोई ऐसा दिखा जो मुस्कुराता हुआ दिखा। ये रियल बात है ना। तो वो जो खुशी जो है वो क्षणिक असर होता है। जैसे मैंने एक बार खुशी का कोई विचार लाया, 2 मिनट असर होगा, 2 मिनट बाद खुशी गायब हो जाएगी। फिर अटेंशन रखनी पड़ेगी खुश रहने की। जैसे हमें कोई व्यक्ति मिलता है, हम एक बार उसको देखे मुस्कुराते हैं और फिर वापस अपने गम के सागर में डूब जाते हैं। ट्रू। नहीं होता है? और कितनी फेक हंसी होती है ना, वो कोई भी इंसान देख करके समझ जाएगा कि ये फेक हंसी है। तो ये जो है हमको अपने अंदर अटेंशन, ऐसे चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा ऐसा आपको वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा घर में, ऑफिस में, जहाँ लगातार खुशी की फीड को मिलती रहे, खुशी की नरिशमेंट मिलती रहे। ऐसे संकल्प बार बार आपको अटेंशन करके पैदा करने पड़ेंगे। करेक्ट, राइट। तो तब जा करके आपके अंदर, और फिर धीरे धीरे खुशी, वो खुशी के संकल्पों को जब एक्शन में लाएंगे तो आपका संस्कार हो जाए, आदत पड़ जाएगी। अभी हमको नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है, नेगेटिव बोलने की, नेगेटिव देखने की, नेगेटिव करने की आदत पड़ चुकी है, सुनने की आदत पड़ चुकी है। ये ऑटोमेटिक है क्योंकि संस्कार आदत पड़ गई है जी। अभी हमको पॉजिटिव संस्कार डालने पड़ेंगे, आदत डालनी पड़ेगी, राइट, तब हम खुश रह सकेंगे। इसलिए हमें कोई बीमारी को अगर हम कंसिस्ट ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे ब्लड प्रेशर, चाहे डायबिटीज, चाहे मोटापा, चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल, चाहे कैंसर हो, माइग्रेन हो, अस्थमा हो, पेट में अल्सर हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, तो उस अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्रोप्रिएट विचार, ओके, जो उस बीमारी को हील कर सके, राइट, करेक्ट, उस विचार को हमें बार 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 करना पड़ेगा।
वो भावना को बार बार पैदा करना पड़ेगा ताकि वो हमारे संस्कार में बन जाए, ताकि हमारी आदत बन जाए. और फिर क्योंकि ये थिंकिंग पैटर्न बड़ा क्लियर रिसर्च हुई है, बाय रिवर्सिंग द थिंकिंग पैटर्न वी कैन रिवर्स द डिजीज. ओके राइट. क्योंकि जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में आई हैं वो हमारे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से आई है, नेगेटिव सोचने के तरीके से आई है. जितनी भी बीमारियां हैं हाँ जी, उसको हम रिवर्स करना चाहते हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें अपने मेंटल पैटर्न को रिवर्स करना पड़ेगा. ओके. सो बाय रिवर्सिंग द मेंटल पैटर्न वी कैन रिवर्स द डिजीज. ओके. नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को रिवर्स कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो बीमारी भी बदल जाएगी. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. थिंकिंग पैटर्न लीड्स टू एक्सपीरियंस. ओके. नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न लीड्स टू नेगेटिव एक्सपीरियंस, उससे बीमारी डिसईज होती है, बीमारी होती है. और पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न जब बना देंगे तो उससे हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे और पॉजिटिव अनुभव होंगे और उससे हमें हेल्थ मिलेगी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस मिलेगी. जी राइट. तो कहा जाता है कि अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन बदल जाए जी, तो सिर्फ दो चीज बदलने की आवश्यकता है. एक अपने थॉट्स और एक अपने वर्ड्स. ओके, थॉट्स एंड वर्ड्स. ठीक है. तो आप इस समय पावर कहाँ पर है? जो बीत गया उसमें पावर नहीं है जी, पास्ट में पावर नहीं है. मैंने कल क्या बोला था, सुबह क्या बोला था जी, सुबह क्या सोचा था, उसमें पावर नहीं है जी. सारी पावर अभी इस मोमेंट में, इस घड़ी में, इस सेकंड में, इस घड़ी में जो अभी हम मेरे साथ बीत रही है, इस घड़ी में मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, दैट विल क्रिएट माय नेक्स्ट मोमेंट. ओके राइट. दैट विल क्रिएट इवनिंग, टुडेज इवनिंग. दैट विल क्रिएट टुमारो, टुमारो मॉर्निंग. राइट. ट्रू. दैट विल क्रिएट डे आफ्टर. राइट. दैट विल क्रिएट नेक्स्ट वीक. और वो चीज दैट विल क्रिएट माय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट ईयर. इसलिए कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम. राइट. तो इस विचार की शक्ति सबसे पावरफुल शक्ति है इस दुनिया की. इसलिए कहा जाता है थिंक बिफोर यू थिंक. सोचने से पहले भी सोच लो, क्योंकि कोई भी सोच, कोई भी भावना खाली नहीं जाती है. तो यही अटेंशन करने की आवश्यकता है. जो कुछ सोच लिया उसका असर बॉडी पर ना हो, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है जी. राइट. इसलिए कहते हैं कि ऐसा सोचो जो कि आप चाहते हो आपके जीवन में हो जाए. ओ. ऐसा कभी मत सोचो जो आप नहीं चाहते हो आपके जीवन में हो. ओके. राइट. ब्यूटीफुल. आप ऐसा ही सोचो अपने अपने संबंधियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जो चाहते हो उस समाज में चेंज आ जाए. वेरी नाइस. देश में चेंज आ जाए. ऐसा कुछ मत सोचो जो आप नहीं चाहते हो. बिल्कुल. अगर आप चाहते हो आपका जीवन, आपका शरीर स्वस्थ और खुशनुमा बने, तो आप ऐसे ही स्वस्थ विचार, सकारात्मक विचार अपने जीवन में लाओ, सकारात्मक भावनाएं अपने जीवन में लाओ. तो आप देखेंगे आपका जीवन, अगर आप सोच सच्ची रखेंगे, तो आपका जीवन क्या होगा, सदा स्वस्थ रहेगा, सदा खुश रहेगा. बिल्कुल. और एक बात लास्ट में मैं कहना चाहूंगा जी, कि ट्रू टीम, मतलब पॉजिटिव टीम कहां से पैदा होती है? ट्रुथ से पैदा होती है. ओके. ट्रुथ. ओके. सत्य से पॉजिटिव टीम पैदा होती है. ठीक है. झूठ से नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं पैदा होती. और ट्रूथ इज आई एम सोल. ट्रूथ इज आई एम ए सोल, आई एम ए बीइंग, आई एम नॉट द बॉडी. करेक्ट. आई एम नॉट द रोल. करेक्ट. जितना आप अपने को बॉडी समझते हैं, जितना अपने को रोल समझते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इतना बड़ा पैसे वाला, इतना अनुभवी हूँ जी, उतना आप अनरियल में जा रहे हो. करेक्ट. उससे आपकी टीम नेगेटिव, उसके अंदर उससे आपके नेगेटिव विचार पैदा होंगे, नेगेटिव भावनाएं पैदा होंगी, ईगो पैदा होगी, आपके अंदर एंगर आएगा, इरिटेशन होगा, एंजाइटी होगी, फियर होगा. True. राइट. उससे बीमारियां होंगी. जितना अपने को आत्मा समझेंगे, आई एम ए सोल, आई एम ए बीइंग, सन ऑफ सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम सोल गॉड, तो उतना आपके जीवन में शांति के विचार पैदा होंगे जी, रूहानी प्यार के विचार पैदा होंगे, अतिद्र सुख के विचार पैदा, आनंद के विचार पैदा होंगे, सहन शक्ति पैदा होगी, सामना करने की शक्ति पैदा होगी, समाने की शक्ति पैदा होगी, सहयोग करने की शक्ति पैदा होगी. पहाड़ जैसी बात को राई बनाने की शक्ति पैदा हो जाएगी जी. परखने की शक्ति, राइट समय पर राइट चीज को परखें, आपका विवेक, विजडम बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपकी दिव्य बुद्धि, दिव्य डिवाइन हो जाएगी
जी आप राइट जजमेंट राइट समय पे कर सकेंगे करेक्ट और आप सदा स्वस्थ और सदा खुश रह सकेंगे। हाउ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, जिसमें सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो साथ ही साथ हमारी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू, ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना कि जब हम बात करते हैं सकारात्मक विचारों की, ये हमारी जिंदगी में कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है। आप अगर जिंदगी में सकारात्मक और खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने अंदर में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स की उच्चारण ही करें। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो सोचने से पहले भी दो बार सोचें कि वो सोच आप ला रहे हैं ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। डिसीजन पावर आपकी खुद की होनी चाहिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।